आज राजस्थान के उदयपुर के बच्चों के लिए सरकार ने बड़ा उपहार दिया। यहाँ पर स्थित महाराणा प्रताप पार्क में टॉय ट्रेन का लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने किया। इस टॉय ट्रेन का लाभ आज से स्थानीय लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। जानिए इस लोकार्पण पर असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और स्थानीय लोगों का क्या कहना है। बहुत समय से नगर निगम के पीछे लगा हुआ था कि किसी समय इस टॉय ट्रेन ने सुखाड़ा जी ने जिसको शुरू किया वो बीच में बंद हुई, उसके कारण से लोगों में निराशा थी। हम लगातार पीछे पड़े रहे, अड़चने तो कई आई, समय भी बहुत लगा, कोर्ट से भी केसेज लड़े और भी कई प्रकार के झंझट इसमें आए, लेकिन आज का ये दिन बहुत ही शुभ है। ये 25 जून का आज का वो आपातकाल का आज की शुरुआत है और उस दिन पर इस ट्रेन का चलना और जनता का सहयोग मिलना, मतलब हमारी जनता लोकतंत्र के लिए जिंदी है, लोकतंत्र के लिए लड़ती रहेगी और लोकतंत्र के मूल्यों को कायम रखेगी। पहली सीएनजी ट्रेन है अपने उदयपुर। निश्चित रूप से इन्होंने सीएनजी का इंजन लगा करके भी बहुत बड़ी सौगात दी ताकि प्रदूषण मुक्त भी रहेगा और गुलाबा की जो हरियाली और सुंदरता और यहाँ का जो ऑक्सीजन हब है उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पिछले 10 साल से ये ट्रेन बंद पड़ी थी और वो पुरानी ट्रेन थी, जो हमारे बोर्ड का फैसला हुआ हम नई ट्रेन लाएँ और पटरियाँ भी चेंज करें और इसको निर्णय लेते हुए इसमें थोड़ी सी ट्रेन को हमने चेंज करके गेट भी थोड़ा साइड पे दिया। लगभग ये 8 करोड़ रुपए इस ट्रेन को और पटरियों को बिछाने में लगे हैं और सबसे बड़ी खुश बात ये है कि ये पर्यावरण प्रेम के हिसाब से है क्योंकि ये है सीएनजी से चलेगी और हिंदुस्तान में ऐसी पहली ट्रेन बनी है जो सीएनजी से चलेगी और इसका पूरा एक इंजन है, उसके साथ 4 डिब्बे हैं और अभी हमने 3 डिब्बे इसमें चालू किए हैं, 1 डिब्बा इसको रिजर्व रखा है, जब भी जरूरत पड़ेगी पर्यटक बढ़ेंगे तो इसमें हो गया। इस ट्रेन पहले हमारी ट्रेन का नाम अरावली एक्सप्रेस था, इस ट्रेन का नाम हमने महाराणा प्रताप एक्सप्रेस किया है और स्टेशन का नाम भी हमने महाराणा प्रताप। इसकी कैपेसिटी 150 से 200 इसमें पर्यटक बैठ सकते हैं और घूम सकते हैं। इसमें हमने अभी टिकट बच्चों का 30 रुपया और बड़ों का 60 रुपया हिंदुस्तानी है तो, और हिंदुस्तान से बाहर के लोग हैं तो बच्चों के 60 रुपया है और बड़ों का 110 रुपया है। और सबसे बड़ी बात है इसके साथ साथ जब ये बर्ड पार्क से घूमेगी तो लोगों को बैठते हैं तो बर्ड पार्क के अच्छे अच्छे पक्षी देखने को मिलेंगे। फिर हमारे यहाँ पे कमल तलाई रुकेगी और कमल तलाई में भी नाव का आनंद ले सकते हैं पेडल बोट में घूम के, इसका ये है। तीसरा इसका फायदा है, हम इसने पहले एक ही टिकट एक ही स्टेशन चल के कहीं रुकती नहीं थी, इस बार 2 जगह रुकेगी और उस ट्रेन का आनंद लेंगे, जो प्रकृति है उसका आनंद लेंगे। एक इसका नेक्स्ट जो चरण में है इसमें फूलों की टनल बनेगी और कई जगह में फिश एम्पोरियम रखा लगाएंगे, कई जगह स्नैक्स एम्पोरियम लगाएंगे जिससे लोग इसमें गाड़ी में चलने वाले लोग इनको देख के अभिभूत हो। ट्रेन में बैठ के बहुत अच्छा लगा, एक पीढ़ी थी जिन्होंने इस ट्रेन में पहले कहीं सफ़र किया था, आज जो हमारे बच्चे हैं हम उनको भी लेकर के आए हैं, वो भी बैठे। जब हम कहते थे गुलाबबाग में घूमने आते थे तो हम कहते थे कि यहाँ पर एक ट्रेन चला करती थी जिसमें हम बैठते थे तो बच्चे पूछते थे कौन सी ट्रेन, तो आज वो सपना हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी साकार हुआ। तो बच्चों की रेलगाड़ी, बड़े भी करेंगे सवारी, तो वो सपना है जो आज सबका साकार हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आभार नगर निगम का। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बचपन की जो मेमोरी होते हैं ना, जनरली हम स्कूल में जाते, पुराने स्कूल में जाते तो हमको बहुत अच्छी मेमोरीज आती है, तो आज ट्रेन गाड़ी में बैठकर भी उन दिनों की याद आई जब हम बैठते थे और एक अलग सा एहसास होता था कि कहीं बाहर नहीं जा पाए तो गुलाबबाग में बैठकर के ट्रेन में घूमते भी चुक चुक करते थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है।